Do you also want to make your home a smart home and wanted to create some great robots for you? So this video is for you. Hey guys, my name is Saiyam Arora, and in this video we would be going to learn about what is Arduino and how we can use Arduino to create some great projects. So Arduino is an open source software company which also provides the open source hardware to develop different kinds of projects that is based on electronics. So we can program our own microcontroller that is Arduino, and we can create some great things like robots and also smart home devices and like a screen at back that is also created by Arduino so guys watch the complete video and if you have any queries or uh, questions regarding this please comment it down below thank you तो अभी तक जैसे हमने देखा कि Arduino कोई स्पेसिफिक बोर्ड नहीं है Arduino एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रोवाइड करता है और ये हमारे पास वेरियस टाइप के Arduino बेस्ड बोर्ड्स है यानी कि जो जो बोर्ड्स Arduino के सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल है और हमें उसे सेम टाइप के कोड से प्रोग्राम कर सकते हैं और इनमें से जो सबसे पॉपुलर बोर्ड है वो है Arduino ऊनो जो वाइडली स्टूडेंट्स एंड मेकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं और जितने भी अब वेरियस बोर्ड्स बन रहे हैं जो दूसरी कंपनी कंपैटिबल है वो भी सेम फॉर्म फैक्टर में बन रहे हैं फॉर्म फैक्टर मतलब सिमिलर शेप्स और आर्डीना का दूसरा बोर्ड है आर्डीना नैनो जो एक सेम बोर्ड है सेम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बट एक छोटे साइज में उसके अलावा हमारे पास इससे भी छोटा वेरिएंट आता है प्रो मिनी जिसमें यूएसबी के थ्रू प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी नहीं है उसके लिए हमें अलग से प्रोग्रामर यूज़ करना पड़ता है बट इसमें भी सेम माइक्रो कंट्रोलर है और छोटे के लिए एक हमारे पास आता है ए टाइनी तो ये हमारे पास छोटा था एटी टाइनी बेस्ड आरडिनो है जिसे भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए इसके अलावा हमारे पास है लार्ज नंबर ऑफ पेंस के लिए आर्डिनो मेगा जिसमें हमारे पास बहुत सारे डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट पेंस मिल जाती है काफ़ी सारी चीज़ें साथ में कंट्रोल करने के लिए और ये है हमारे पास आर्डिनो LilyPad, जो मेनली यूज होता है क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग के पर्पज़ के लिए इसको हम डायरेक्ट अपने क्लोथ्स पर स्टिच कर सकते हैं ये बोर्ड्स तो Arduino के हो गए पर इसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपनीज ऐसी है जो आर्डिनो के कंपेटेबल बोर्ड्स बनाती है जैसे कि एक कंपनी है एसप्रेस जिनके बहुत ही पॉपुलर बोर्ड्स है जो है नोड एम सी यू जो ई एस पी ट्वेल्व बेस्ड है और साथ साथ ई एस पी थर्टी टू इसके अलावा सिमिलर बोर्ड्स वाई फाई कंपेटेबल में हमारे पास है वीमो और साथ साथ ई एस पी थर्टी टू कैमरा बेस्ड बोर्ड और हमारे पास यहाँ पे है एस के कुछ 32 टू बोर्ड्स जो आरडिनो के साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं हाई स्पीड कंट्रोलिंग के लिए और इसके अलावा हमारे पास ऑफिशियल आर्डियोनो के आर्डिनो यून और ये आर्डिनो के स्टार्टा किट भी है और ये थर्ड पार्टी एक आर्डिनो किट जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स है और आर्डिनो की पी भी है कि हम अपना आर्डिनो खुद बना सकें जो सीट स्टूडियो का है और इसका नाम है फ्री और साथ ही साथ हमारे पास एक है आर्डिनो बेस्ड लाइट सेवर जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं और परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में देख सकते हैं तो इस आर्डिनो सीरीज में हम धीरे धीरे करके सारे बोर्ड्स को अवेलट करेंगे बट मेन जो हमारी सीरीज फोकस होगी वो होगी आर्डिनो किट के ऊपर तो अभी हमने काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड्स देखे जिनमें से कुछ आर्डिनो के मैनुफैक्चर्ड है और कुछ थर्ड पार्टी मैनुफैक्चर्ड है बट अभी जो ये वीडियो हमारी फोकस करेगी वो फोकस करेगी आर्डिनो स्टार्टर किट के ऊपर जो आर्डिनो ने मैन्युफैक्चर करी है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें वो काफ़ी सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हम कैसे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को रियलिटी में बना सकते हैं तो जो हमारे पास ये सामने है हमारे ये है आर्डिनो की स्टार्टर किट जिसमें हमारे पास होता है एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड एक डिस्प्ले ब्रैड बोर्ड कुछ मोटर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जिसमें बैटरी कनेक्टर्स और एल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है और साथ ही एक यूएसबी केबल इसको प्रोग्राम करने के लिए तो जो ये किट है ये ऑलरेडी अनबॉक्सड है बट चलिए इसे फिर से अनबॉक्स करके देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस किट के बैक में क्या है तो इस किट के बैक में हमारे पास यहाँ पे सारे के सारी डिटेल्स है कि इस किट में क्या क्या इंक्लूडेड है जिसमें एक आर्डियनो प्रोजेक्ट बुक आर्डिनो ऊनो बोर्ड यूएसबी केबल बैट बोर्ड ढेर सारी एल ई कैपेसिटर रजिस्टर्स एंड वेरियस कॉम्पोनेट्स तो करेंटली हमारे पास इसमें आर्डिनो की प्रोजेक्ट बुक अवेलेबल नहीं है और उसकी जगह हम यूज़ करेंगे एक आर्डिनो प्रोजेक्ट ई बुक और वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ ये किट फीचर्स करती है फिफ्टीन डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट जो हम बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनसे हम सीख सकते हैं और खाली ये ये प्रोजेक्ट ही नहीं हम इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि हमारी क्रिएटिविटी और हमारी नीड पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं तो ये आर्डिनो किट में सबसे पहले हमें मिलता है एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड जिसमें आप ध्यान से देखिए तो इसके ऊपर मैंशन होता है आर्डिनो ऊनो और यहाँ पे हमारे पास ऊपर मेंशन होता है डिजिटल और ब्रैकेट में पी डब्ल्यू और एक डैश जैसा सिंबल साथ ही यहाँ पे Arduino का लोगो है यहाँ पे पावर मेंशन है एनालॉग मेंशन है और इसके बैक में Arduino का मेंशन है और साथ ही इसमें लिखा है मेड इन इटली क्योंकि Arduino ऑरिजिनली और, इटली बेस्ड कंपनी है इसके अलावा हमें किट में मिलता है एक यूएसबी केबल कुछ मोटर्स जिसमें है एक सर्वो मोटर और एक डीसी मोटर और साथ ही उनके कनेक्टर्स ये डीसी मोटर और ये है हमारे पास सर्वो मोटर इसके अलावा हमारे पास है वेरियस टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसमें है डेढ़ रजिस्टर्स एलईडी कैपेसिटर पोटेंशियोमीटर स्विचेस और एट्सेट्रा और एक हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हम आर्डिनो से कनेक्ट करके आ, जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहें वो हम इस डिस्प्ले पे विजिबल करा सकते हैं तो ये सब था हमारे पास हमारी आरडियोनो किट के अंदर और अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम अपना पहला प्रोग्राम आर्डिनो में डाल सकते हैं तो अब हम देखेंगे कि हम आरडीनो बोर्ड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके लिए चाहिए हमें एक Arduino ऊनो बोर्ड और साथ में हमें अपने पीसी में आरडीनो का सॉफ्टवेयर डालना होगा जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे और उसे प्रोग्राम करेंगे और पीसी से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए जो प्रोवाइडेड यूएसबी केबल है जो नॉर्मल यूएसबी टू टाइप बी यूएसबी केबल है और ये हमारे प्रिंटर्स में भी यूज होती है तो सबसे पहले अपने बोर्ड को अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं जो इसमें ये पोर्ट है ये यूएसबी का पोर्ट है और इसमें हम केबल अटैच करेंगे और जिसका दूसरा एंड है वो हम अपने पीसी में अटैच करेंगे और हमने अपना Arduino अटैच कर लिया है और इसके अंदर देखिए एक एलईडी ब्लिंक हो रही है और साथ ही साथ जो ग्रीन कलर की एलईडी है वो डिनोट करती है कि हमारा बोर्ड करेंटली पावर ऑन है अब हम आरडिनो की वेबसाइट से आरडिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो हम आरडिनो की वेबसाइट पे जाते हैं डब्ल्यू और वेबसाइट पे सेकेंड में हम डाउनलोड्स पे जाएंगे आरडिनो ऑनलाइन टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम कर सकते हैं बट हमें ऑफलाइन चाहिए अभी करेंटली जो हम पीसी में डाउनलोड कर सके और उसके थ्रू कर सके तो जैसे ही हम इस पेज पे थोड़ा नीचे आते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरियस लिंक्स आते हैं जिनमें से हम अपने लिए सूटेबल डाउनलोड कर सकते हैं जैसे अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हैं करेंटली मेरे पास भी विंडोज के तो इसके लिए आप विंडोज इंस्टॉलर या विंडोज विडोज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसके अलावा विंडोज के स्टोर पे से आप आरडीनो की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है यानी मैक तो आप मैक के लिए मैकोवेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं आर्डियनोनो का और अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स सिस्टम के लिए भी आप आरडियनो डाउनलोड कर सकते हैं जो सा आपको यूज़ करना है तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ अगर आपको करना है तो आप सिंपली इसमें से वो क्लिक करिए और वो डाउनलोड हो जाएगा फिर उसे इंस्टॉल करिए और इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो कुछ परमिशन के लिए भी पूछेगा तो आप सारी परमिशन ग्रांट कर दीजिए क्योंकि वो आरडीनो के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के परमिशन है और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास आरडीनो का एक आइकन आ जाएगा स्टार्ट मेन्यू में और हम इसे नॉर्मली ओपन करेंगे तो वो इस टाइप से ओपन होगा ऐसे आरडीनो ओपन होने के बाद हमारे पास कोई भी स्केच आ सकता है या फिर कोई भी ब्लैंक स्क्रीन आ सकती है तो उसमें अभी हम सबसे पहले ऊपर के मेन्यूज देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऊपर मेन्यूज मिलते हैं settings, हैं जो सेटिंग्स के टैब्स होते फाइल एडिट स्केच टूल्स और हेल्प तो करेंटली हम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में अपना बोर्ड को सेट करेंगे जो होता है टूल्स में तो टूल्स में जाके हम बोर्ड डिफाइन करेंगे हमारे पास कौन सा बोर्ड है जो करंट कंडीशन में हमारे पास है तो यहाँ से हम बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे पास वेरियस ऑप्शन है आडिनो नैनो मेगा या फिर कोई भी और बोर्ड बट कनेक्टली हम आडिनो ओनो चूज कर रहे हैं तो हमने आडीनो ओनो सेलेक्ट करा हुआ है जो प्री हमें सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके दे रहा है और इसके अलावा हम सेलेक्ट करेंगे पोर्ट यहाँ पोर्ट पर जैसे आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका आडियनोनो कौन से पोर्ट पर कनेक्टेड है और अगर आपने मल्टीपल यूएस कनेक्ट कर रखे अपने सिस्टम में तो यहाँ पे मल्टीपल शो होगी बट जोन सी यूएस से आपका आर्डियनो कनेक्टेड है उसके आगे आर्डियनोनो होगा तो यहां से हमने अपने सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर दिया है कि हमारा बोर्ड आर्डियनो हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद अभी हम अपना प्रोग्राम लिखने के बजाय जो आर्डियनो हमें एग्जाम्पल स्केचेस देता है हम उनमें से एक यूज करेंगे तो फाइल पे जाके एग्जाम्पल्स में हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे आर्डियनो बोर्ड पर वर्क कर सकते हैं बट सबसे पहले जो आर्डियनो का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है वो होता है ब्लिंक तो हम एग्जाम्पल्स में बेसिक्स में जाएंगे और बेसिक्स के अंदर ब्लिंक नाम का हमें एक आ, फाइल मिलेगी हम जब इसे क्लिक करेंगे तो ब्लिंक स्केच खुल जाएगा जो हमारी स्क्रीन पर पहले से खुला हुआ है बट जब आप क्लिक करेंगे अगर आपकी स्क्रीन पर इनिशियली कोई और स्केच है तो ब्लिंक का स्केच खुल जाएगा और ब्लिंक, ब्लिंक के स्केच में आर्डिनो का पूरा कोड लिखा हुआ है कि कैसे हम एक एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं जो ऑन बोर्ड आप देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर की एलईडी फ्लैश हो रही है वो आर्डिनो की पिन थर्टीन पे कनेक्टेड है और उसे आर्डिनो इन बिल्ड एल बोल सकते हैं तो इस स्केच के थ्रू हम इसे ब्लिंक कर सकते हैं और अगर मैं इस स्केच की कमेंट्स को रिमूव कर दूं तो ये स्केच इतना है जिसमें हम पहले डिफाइन करते हैं कि एलईडी कौन सी है हमारी और उसके बाद हमें क्या एलईडी से वर्किंग करनी है उसके लिए ये वाला हम इसे प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं और क्या क्या फंक्शंस यूज करते हैं या कैसे हम कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे अभी हम सिर्फ इस प्रोग्राम को जो एग्जांपल है इसे हमारे बोर्ड में डाल के देखेंगे तो सबसे पहले हम जो ऊपर राइट का मार्क है जो वेरीफाई बटन है हम उस पर प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और चेक करेगा कि इस प्रोग्राम में कोई एरर्स तो नहीं है तो अगर कोई प्रोग्राम में एरर्स होती है तो वो डिस्प्ले कर देगा इसमें बट करेंटली ये एग्जाम्पल कोड है और इसमें कोई एरर नहीं है तो इन्हें हमें शो कर दिया कि डन कंपाइलिंग तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में अब हम इसे अपने बोर्ड में डाल सकते हैं तो बोर्ड में डालने के लिए यहाँ पे जो सेकंड बटन है वो अपलोड का बटन है और जब हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से वो अगेन कंपाइल होने के बाद अपलोड होना शुरू हो जाएगा हमारे बोर्ड में और अपलोड के टाइम हम देख सकते हैं कि इसमें दो और एल हैं आर एक्स और टी एक्स वो भी फ्लैश करती है और अपलोड होने के बाद ये जो आप एलईडी देख रहे थे पहले बहुत फास्ट ब्लिंक हो रही थी अब वो बहुत ही स्लो ब्लिंक हो रही है क्योंकि उसका टाइम इंटरवल हमने ब्लिंक का चेंज कर दिया है ब्लिक का जो डिफॉल्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग हमारी एलईडी हर वन सेकेंड में ब्लिंक होगी तो अगर आप आरडिनो परचेज करते हैं और डिफॉल्ट उसमें अगर ब्लिंक का कोड डला हुआ होता है जो जनरली आता है जिसका टाइम होता है वन सेकेंड डिले वाला तो आप टेस्ट करने के लिए यहाँ इस कोड में जहां पे डिले की स्टेटमेंट दिखी हुई है उसके अंदर इस नंबर की वैल्यू चेंज कर सकता है ये नंबर जो हमारे पास गिवन है ये मिली सेकेंड हाफ सेकेंड के लिए करनी है तो हम इसमें फाइव हंड्रेड लिख सकते हैं और इससे हमारी एल अब हाफ सेकेंड के लिए ब्लिंक होगी हाफ सेकेंड के लिए ऑन और हाफ सेकेंड के लिए ऑफ तो जैसे हमने फिर से अपलोड करा और हमने देखा कि एलईडी की स्पीड में चेंज आ गया है पहले के कम्पेरिजन में तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि Arduino को कैसे प्रोग्राम करते हैं और हम कैसे अपने कोड खुद लिख सकते हैं थैंक यू गाइस